नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। बड़गांव गांव के स्थानीय किसानों के खेत किए जंगली जानवरों ने पूरी तरह से तबाह। विकासखंड जोशीमठ पेनखंडा का नजदीकी गांव बड़गांव, जो गांव सब्जी उत्पाद के क्षेत्र में काफी माना जाना गाँव माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ का नजदीकी गाँव बड़गांव की। इस गांव में अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं। उसी गांव में लगातार जंगली सुअर आए दिन स्थानीय किसानों के खेतों में पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़गांव के स्थानीय किसानों के कई एकड़ भूमि जंगली सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। ऐसे में बड़गांव के स्थानीय किसान अपने खेतों को देख कर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में कई प्रकार की सब्जियां पैदावार की थी, जो कि जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं। किसानों ने कहा कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बड़ी बात तो ये है कि जंगली सुअर आए दिन स्थानीय लोगों के घरों के आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग इस वक्त काफी डर के साए में जी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय किसानों के खेतों को जंगली सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। गौरतलब है कि एक बड़गांव ही नहीं बल्कि सीमांत घाटी के दर्जनों गांव इस वक्त जंगली सुअर को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आए दिन जंगली सुअर झुंड बनाकर के स्थानीय ग्रामीणों के इलाके में आतंक मचा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त जोशीमठ नगर के तमाम स्थानीय ग्रामीण जंगली जानवर को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं स्थानीय किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें आज तक उनके खेतों में नुकसान हुए फसल का मुआवजा तक उनको नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस वक्त स्थानीय किसान शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी मदद की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़गांव में, जिस बड़गांव में स्थानीय किसानों के खेत को जंगली सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़गांव की, जिस बड़गांव में अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं, जहां आजकल जंगली जानवर आए दिन स्थानीय किसानों के घरों के आगे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देर रात जंगली सुअर ने फिर जो है कि स्थानीय किसानों के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा उस नुकसान को दिखाएं जो देर रात जंगली सुअर ने स्थानीय किसानों के खेत पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। दूर दूर तक अगर आप नजर लगाएंगे तो स्थानीय किसानों के खेत जंगली सुअर द्वारा बर्बाद किया हुआ देखा जा सकता है। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा इस सुंदर तस्वीर को भी दिखा दें जो कि बड़गांव की तस्वीर है। और इसी बड़गांव की बात करें तो इसी बड़गांव में न जाने कितने स्थानीय किसानों के खेत जंगली सुअर द्वारा बर्बाद किया जा चुका है। ऐसे में स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है अपने समस्याओं को लेकर के, लेकिन समस्याएं उनकी आज भी जस की तस पड़ी हुई है। हालांकि मैं बात करना चाहूंगा बड़गांव ही नहीं बल्कि तमाम सीमांत घाटियों की, तो तमाम सीमांत घाटियों में जंगली जानवरों का आतंक आए दिन देखता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगरियाल के साथ नवीन सिंह के खास। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पहली नजर।